तो अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले आप सभी को एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें। और डिस्क्रिप्शन पर आपको दो प्रोजेक्ट का भी लिंक रहेगा, एक पर रहेगा इफेक्ट सब और एक पर रहेगा ऑडियो और उसके अकॉर्डिंग जो बीट आ रहा है उसके अनुसार मार्क। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, जिस पे आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। अभी आप देख पा रहे हो इसके अंदर ऑडियो है और जैसे जैसे बीट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्क। तो आपको सबसे पहले 0.00 सेकंड पर आना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और आपका जो भी इमेज है आप उस इमेज को इंपोर्ट करें। देन थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कॉम्बिनेशन एरिया पे क्लिक करें, कॉम्पोजिशन एरिया पे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाएं, साइज को ऑप्शन पर जाकर थोड़ा सा इसे जूम कर लें। अब राइट एरो को ऑप्शन पर क्लिक करें और इधर का पार्ट को कट कर दें। मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, आपको यहाँ पर राइट एरो और लेफ्ट एरो देखने को मिलता है प्ले का जहाँ पर ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट मार्क से नया फोटो को इंपोर्ट करना है तो प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया को ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको अपना जो भी इमेज है आप उस इमेज को इंपोर्ट करें और यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक करें, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाएं, साइज को ऑप्शन पर चले जाएं और इसे इस तरह जूम कर लें। इधर इसे आपको इधर करना है, वो जूम हो जाएगा। अब इस राइट एरो पे क्लिक करना है, नेक्स्ट मार्क तक पहुँच जाओगे और इधर का फोटो का एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। अब इस मार्क से नया फोटो को फिर से इंपोर्ट करना है तो प्लस पे क्लिक करके मीडिया को ऑप्शन पर और जो फोटो उसे इंपोर्ट करें, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कॉम्पोजिशन एरिया, साइज को ऑप्शन पर जाके जूम और राइट एरो पे क्लिक करके कट। अब आपको मैं फिर से समझा रहा हूँ, जो आपका ये रेड कलर का मार्क देख पा रहे हो इस मार्क के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फोटो इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक कर लें, मीडिया को ऑप्शन पर चले आ जाना है आपको और ये वाला जो इमेज है मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। देन फ्री थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक करें, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद साइज को थोड़ा सा जूम कर लें, राइट एरो पे क्लिक करके कट। तो आप देख पा रहे हो एक मार्क से एक मार्क तक एक फोटो, इस मार्क से इस मार्क तक फोटो, इस तरह मार्क के अकॉर्डिंग आप फोटो सबको इंपोर्ट कर लें। मैं करके आप सभी को दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मैं फोटो सबको ठीक बिट मार्क के अकॉर्डिंग इंपोर्ट कर चुका हूँ, आपको भी कर लेना है। और गाइस, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी सारे इस पर इंटरेस्टिंग वीडियो सब, एडिटिंग वीडियो सब देखने को मिलता रहता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और गाइस, आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए इस चैनल को, प्लीज़ दें। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो, आप यहाँ पर मैं फ़ोटो सबको इंपोर्ट कर चुका हूँ। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है। अब आपको यहाँ पर सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, उसका अंदर आना है और यहाँ पर एक दो तीन, ये तीन इमेजेस देखने को मिलेगा। तो पहला वाला इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स करना है। इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद आपका जो बिटमार्क प्रोजेक्ट है उसके अंदर आना है। यहाँ पर जो सबसे पहला फोटो है इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, पेस्ट। इफेक्ट आपका कॉपी भी हो चुका है, इस फोटो पर पेस्ट भी हो चुका है। किस तरह पेस्ट करना है, फोटो का लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट, वो इफेक्ट्स पेस्ट हो जाएगा। अब आपको इस तरह ये तीन फोटो पे मैं पेस्ट किया, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। फोटो लेयर पे क्लिक करें, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर चले जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट। अब आपको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ इमेज को आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि आपको यहाँ पर 4.21 सेकंड पे जो फोटो आ रहा है उतना दूर आपको यहाँ पर करना है। स्टार्टिंग से 9 इमेजेस जो आ रहा है आप उस इमेजेस पे ये वाला इफेक्ट्स को पेस्ट कर दें, जितना सारा आपका यहाँ पर फोटोस आता है स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर मैं देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं पेस्ट कर चुका, तो इस तरह पेस्ट करना है। अब यहाँ पर गाइस आपको इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है और सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आना है और यहाँ पर गाइस आपको ये वाला फोटोज़ पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट्स करना है। ये सेकेंड वाला फ़ोटो को कॉपी करने के बाद आपको बिटमार्क प्रोजेक्ट के अंदर आना है सेकेंड वाला फ़ोटो का। उसके बाद आपको यहाँ पर मैं टाइम कह देता हूँ, आप इस टाइम पर चले आ जाएं। यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो 14.26 सेकंड पर आने के बाद जो फोटो आता है ये फोटो पे क्लिक करें, इफेक्ट्स को ऑप्शन पर चले जाएं, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर दें। देन नेक्स्ट जो फोटो आ रहा है उस पर क्लिक करें, इफेक्ट्स को ऑप्शन पर चले जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट। तो आपका 15.07 और 14.26 ये दो फोटो पर आपको ये वाला इफेक्ट को पेस्ट करना है। फिर बैक करके अपना सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर लास्ट वाला फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स करना है। और यहाँ पर गाइज आपको 5.8 सेकंड के बाद, मतलब स्टार्टिंग 5.08 सेकंड से जितना सारा फोटोज आता है आपको उसके बाद हर फोटोज पे करना है। सिर्फ आपको जो मैं कहा 14.26
जो वहाँ पर दो फोटोज था, उस दो फोटोज़ को छोड़कर आपको उसके बाद जितना सारा फोटोज़ आता है हर फोटोज़ पे ये थर्ड वाला इफेक्ट्स को पेस्ट कर दें। तो किस तरह करना है, आपको फोटो लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स को ऑप्शन पर जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट। आपको फोटो लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स को ऑप्शन पर जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट, इफेक्ट्स पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह जितना सारा यहाँ पर फोटोज़ आता है आप हर फोटोज़ पे कर दें सिवाय इस दो फोटोज़ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर 14.26 सेकंड पर और 15.07 पर, ये दो फोटो छोड़कर आपको पेस्ट कर देना है थर्ड नंबर वाला इफेक्ट्स को। तो जितना सारा फोटोज़ है इस फोटोशॉप में मैं पेस्ट करके आप सभी को उसके बाद दिखाता हूँ। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर मैं फोटोशॉप पे इफेक्ट्स को पेस्ट कर चुका हूँ, आपको भी कर लेना इसी तरह। उसके बाद गाइज आपको स्टार्टिंग टाइम तक आना है और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पर गाइज आपको मीडिया का ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपको एक फ़ोटो मिलेगा, उस फोटो को यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है, जिस फोटो का लिंक आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन पर है। तो आप डिस्क्रिप्शन से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें। जो भी आपका इमेज है, जो कि है आपका ब्लैक फ़ोटो, आपका नीचे तरफ शैडो जो रहता है वो ब्लैक फ़ोटो है, तो आप वो ब्लैक फ़ोटो को यहाँ पर इंपोर्ट करें। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आप सभी को दिखाता हूँ। चूज़ कर चुका हूँ, आप प्लस पे क्लिक करना है आपको और इस थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कॉम्बिनेशन एरिया या कंपोजिशन एरिया, या आप इसे नीचे की तरफ इस तरह कर लें, तो आपको ऊपर डिपेंड करता है। मैं नीचे की तरफ कर लिया। अब इस लेयर को क्लिक करके आपको एंड तक आना है, जितना दूर फोटो है, और ये वाला आइकन पर क्लिक करना है, वो इतना दूर एक्सटेंड हो जाता है। तो थोड़ा सा इसे आप मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाने के बाद साइज़ को थोड़ा सा जूम कर लें इस तरह। अब यहाँ पर देख पा रहे हो ये साइज जूम हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और आपको एक वीडियो मिलेगा, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे है। तो अभी आप देख पा रहे हो इस तरह वीडियो रहेगा और आपको और भी कलर पे ये सब वीडियो मिल जाएगा, आप जिस कलर पे इंपोर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाएं और यहाँ पर लाइटन पर चले जाएं, स्क्रीन कर दें। स्क्रीन करने के बाद आप इसे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद इसे नीचे की तरफ इस तरह कर लें। तो मैं नीचे की तरफ इसे कर लेता हूँ इस तरह। तो आप मिडिल पे सही से इसे नीचे की तरफ कर लें तो सही है। और इसे आप थोड़ा सा साइज को ऑप्शन पर जाकर थोड़ा सा छोटा कर लें गाइस, और मिडिल को ऑप्शन पर सही से कर लें। तो यहाँ पर गाइस आपका जो वीडियो है बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट जो है वीडियो का, उस पर क्लिक करके कट कर देना है लेयर पे क्लिक करके। अब शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लें। अगर मैं अभी प्ले करता हूँ तो ये थोड़ा लैग करेगा फ़ोन, इसीलिए मैच नहीं होगा, आपको जैसा लगेगा मैच नहीं हो रहा है, बट जब भी आप एक्सपोर्ट कर लोगे ये ठीक ठाक प्ले होगा।